अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब बन गई हूँ मैं। ठीक हो, आप सुनाओ कैसे हो? अभी आ रही है। हाँ, एडिटिंग कर रही हूँ ना। तैयारी पूरी है? मुस्तफा अभी तक सो रहा है। बस सर आइए। नहीं, मैं नहीं सोता। कहती हूँ मेरे साथ आप सो, उसको सोना है साथ में। बस अभी पता चला पापा का, पहले मोबाइल में थी। ओ माशाल्लाह, आज तो सच में इस मौसम ने ना दिल खुश कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल इतनी सारी दुआएं मांगी अल्लाह, धूप निकले और बारिश ना हो। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ऐसी दुआ मांगी, वरना मैं हमेशा कहती हूँ बारिश हो। आज देखो ऐसे धूप निकली हुई है मजे की। सुबह का बाकी मेरा नाश्ता साथ में हो गई, चाय और ये रही कौसर। नाश्ता कर लिया? तबीयत ठीक है? तैयारी पूरी है? कपड़े वपड़े ले आए हो साथ में? प्राइज और अम्मी, आज तो अनीता ने भी तैयारी की हुई है, कह रही है मैं भी चलूंगी। अनीता ने तैयारी की है, शानी को देखो लहंगा पहन रही है। हाँ। अनीता फिर साड़ी पहनेगी अगर शानी लहंगा पहन रही है तो। शानदार नोबिता। नाश्ता करने के बाद व्लॉग था मेरा, जल्दी एडिट किया और अब इन दोनों को जल्दी जल्दी नहलाती हूँ। अलवार कमीज ना व्हाइट ज्यादा अच्छी लगती है, और कौसर ने पहना देखो रेड पहना है। पूरा यूट्यूब बन के जा रहा है हमारा घर। यूट्यूब का लोगो, इसका रेड हो गया, इसका व्हाइट हो गया और फिर मेरा व्हाइट हो गया। यहाँ पर तैबा भी देखो रेडी हो गई, तैबा तो पिंक जा रही है, पिंक पिंक बन के। और इस साइड पर चलते हैं तो यहाँ पर, ओहो बाबर भाई आप कैसे आ गए घर में। और इस साइड पर ये देखो, पहले मैंने इनके लिए ये वाले फ्रॉक निकाले, आयत का कि आयत ये पहनेगी और तैबा का ये वाला। फिर मुझे याद आया लास्ट टाइम हमारा कराची पे रश था ना, जो बच्चे तंग हो गए थे कि सांस इनसे नहीं ली जा रही थी, और फिर इनमें जो है ना ये लगते तो बहुत प्यारे हैं, फिर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि इनको जो है ना ऐसे कपड़े पहनाऊं जिसमें बच्चे भी कम्फर्टेबल हो, सही है। और ये शॉपिंग तैबा अपनी पसंद से बच्चा पार्टी से करके आई थी, बस अब इसके बाल बनाने। तैबा आपके ऊपर ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है। फाइनली आज होने जा रहा है हमारा मीटअप आप सबके साथ, मेरे सब्सक्राइबर के साथ। तो सब रेडी हो रहे हैं पूरे घर में, पूरा घर जो है ना ऐसा जैसे शादी का घर हो, सब अब रूम में तैयार हो रहे हैं अपना अपना। तो बस अब मैं, हर कोई तैयारी कर रहा है, मैं भी अपनी तैयारी शुरू करती हूँ। जी अम्मी, तैबा अम्मा को ब्रश दे करो। तो मैं बस अभी अपनी तैयारी करने लगी हूँ, और सबसे पहले मैंने आज लेंस लगा लिया। मैं जब मैं मेकअप करने लगती हूँ तब लेंस लगाऊ ना तो मेकअप भी खराब होता है और सारा फैलता है। इस साइड पर लगे हुए मेरे कपड़े, सोचू मैं कौन सा पहनने वाली हूँ। मेरी सारी फ्रॉक ना इधर ही लगी हुई है, ये देखो सारी रंग बिरंगी फ्रॉक। तो ये तो खैर पहले की, मैंने कराची में पहना था, और जो मेरा पहला कराची में मीटअप हुआ था ना तब मैंने ये पर्पल पहना था वहाँ पे, और इस बार मैंने सोचा है कि मैं ये वाला पहनूंगी व्हाइट। इस तरह से देखो ये पूरा का पूरा व्हाइट है, नीचे अम्ब्रेला बनाया मैंने, तो जल्दी से मैं इसको पहन के आती हूँ। पार्टी में इसको रेड ड्रेस पहन के जाना है, मुझे पता है कि वहाँ पे इसे पहनना और बाद में फिर शोर मचाना। तो गाइज यहाँ पर देखो मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली, और बच्चों को भी सबको मैंने तैयार करा दिए, बच्चे रेडी हो गए, और बाकी देखो पीछे अभी सब तैयार हो रहे हैं, सबका मेकअप हो रहा है। कौसर तैयार होकर सबसे पहले आ गई, ये अच्छा काम किए। बच्चों को थोड़ा तैयार कराते थोड़ा टाइम लग गया, और नीचे देखो वैन भी आ गई, वैन मंगाई है सबके लिए कि वैन पे सारे जाएंगे, गाड़ी में तो सब आ नहीं सकते। और ये देखो ये सामने वैन है, सबसे पहले कौन बैठा हुआ है नीचे, बाबर गया हुआ है क्या? सबसे पहले बाबर को वैन में बिठा दिया, अभी तक तो सब सारे तैयार हो रहे हैं। अल्लाह करे कि मौसम ऐसा ही रहे जैसे ये सूरज निकला हो। तुम्हारे ऊपर ये रेड बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा। हाँ खुद मेकअप किया ना? हाँ भाभी खुद कितना अच्छा किया, माशाल्लाह वही कह रही मैंने कहा। हाँ खुद अच्छा किया। एक वाइफ आपकी कब से देखो रेडी होकर बैठी हुई है, एक बच गई है, मैं बची हूँ बस। तो आप जल्दी करें, मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। केक भी उठाना है, केक भी मैं गाड़ी में रखता हूँ, दे दें तो मैं लेके जाता हूँ, को गाड़ी में रख देता हूँ, कहीं ये इधर ही ना रह जाए और हम लोग पहुँच जाएं। काम होते रहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था ना केक वाला था जो मैंने रख दिया गाड़ी में। देखो गाइज यहाँ तक मेरा मेकअप पहुँचा है, बस जल्दी जल्दी से मेकअप करने, पांच इधर मुझे बच गए हैं, बच्चों को भी तैयार कराना था ना, और फिर सब आ गए मेहमान, जो हमारे कुछ बच्चे थे वो फिर एंड टाइम पे आए, तो अभी सारे तैयार हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगा लिया और अभी अपने फेस की कंटूरिंग करने लगी हूँ, चलो जल्दी से करते हैं। चल ऐसे यहाँ पे मेरा राजा देखो कितना प्यारा लग रहा है व्हाइट सूट में, मम्मा के साथ मैचिंग किए। थोड़ी देर में जाऊंगा, और अम्मा भी नमाज पढ़ रही, मने भी यहीं पे। अभी जितने भी वैन वाले हैं ना वो जा रहे हैं, क्योंकि वैन बाहर आ गई और हम लेट भी हो गया,
वो सामने हमारी वैन है, अरबी वैन वाले सारे बाहर आ गए, पापा तो नहीं आएंगे। इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। हाँ जी अम्मी, सच में आपके ऊपर ना बहुत प्यारा लग रहा है, ये स्वेटर प्यारा लग रहा है और अम्मी ये दुपट्टा आपके ऊपर इतना सूट कर रहा है, आप ऐसे बोल रही थी। मैं ये मेरी कमीज बनानी थी ना, मैं अपने बालों को क्या किया, कर्ल किया आपने बालों को? ये रेड वाली पहन, ये वाली वैसे बहुत बार पहन। मुस्तफा जी कौन सी? ये रेड वाली पहन है, हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जी अम्मा, अच्छा क्या मैंने कर लिया, कोई मुझे बब्बा का शहजादा ही चाहिए। पीछे से इसकी हील ऐसी है, ये इस तरह की है। जल्दी जो मैंने आप सबसे कहा था कि मैं क्वीन बनूंगी, आज मैंने व्हाइट सूट भी पहन लिया और अपना जो है ना क्राउन पहनने लगी। मम्मी कैसे लगे? प्यारी लग रही है। मेरा बच्चा तैयार होकर बैठा है, ये कहाँ रहा है? आ जाओ जल्दी से आओ। चलो अनीता कहाँ है, साथ चल रही हो? चलो ये फारूक भाई, कैसे हैं फारूक भाई? ठीक आप सुनाएं? ठीक है, खैर खैरियत से पहुँच गए। मेरा क्रोन, मेरा क्रोन बस सही सलामत है वहाँ तक। ये क्रोन तो मेरे ऊपर गाड़ी में लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा। तो गाइस हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अंदर, अभी हालात जाकर चेक करते हैं। बाहर तो लग रहा है रश काफी है। कैमरामैन आ गए, सारे अंदर वाले बाहर तो नहीं आ रहे। पहुँचे हैं तो काफी लोग हैं, अभी चलते हैं अंदर थोड़ा सा यहाँ पे फोटो शूट करा के। और ये कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये जो ना बिस्तर लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी जो ना कैमरा मेरे हवाले किया गया है और सिक्योरिटी ना बहुत ज्यादा टाइट है, मुझे ही ऊपर नहीं आने दे रहे थे। साजिद भाई आप ही इनवाइट थे, आप ऊपर कैसे आ गए? यार कैसे आ गए आप प्रोग्राम में? और इस तरफ देखें सारी आवाम है और माशाल्लाह से सारे जो लोग जमे हैं, सबको एक एक करके मौका दे दें। जी जी वालेकुम अस्सलाम। और ये भी यहाँ पर अभी सबसे पहले कुरान शरीफ से शुरुआत की जा रही है और अभी एक एक बंदे को लेके आ जा रहे हैं। ये सितारा का भी लोग है, और से कौन से आ गई? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, हलवा लाइए हमारे। चले और इस तरफ साजिद भाई और ना बैठे हुए, और ये हमारी फैमिली बैठी हुई, कौसर भाभी सारे बैठे हुए। पीछे की तरफ डेकोरेशन कुछ इस तरह से की गई थी गाइस, और आगे की तरफ जो ना सारे विनोशिन सिस्टर के लिए भी सारे लोग जो ना तालियां बजाई जा रही है। मरियम है ही नहीं, मरियम मरियम का नाम लिखा गया था लेकिन आए मुश्किल ने सितारा का साथ दिया था।
नाम ले लें फिर मैं बनाता हूँ वीडियो के बाद बनाता हूँ। ये इनके सपोर्टर के नाम लिए जा रहे हैं। ओए मेरा भी शॉर्ट आउट दे दो। हाँ वो एक एक करके सब आएंगे ना। इधर देखो इस तरफ आपके लिए फोटो लेने के लिए सब लोग खड़े हुए हैं। बुलबुल मिल गए माशाल्लाह। यहाँ पे भी रिस्पांस अच्छा ही मिला है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। एक तो यहाँ पे तो गाइस यहाँ पर ना सबका मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और हर बंदे को एक मिनट का टाइम दिया जाएगा जो कि हर बंदा इनसे मिल पाएगा। के फैन सारे इस तरफ खड़े हुए हैं और मैं उसी के भी लोग शूट करूँ तो मैं देखूंगा जो बंदा नहीं आ सकता तो उनको भी ले लूँगा। लेके जा रहा हूँ यहाँ पर लोग मिलना चाहते हैं तो इनसे मिलवा देता हूँ। आ जाओ चलो आयत सबको हैंड शेक करो सबसे। बस चले भाई आयत आ जाओ। वो देखें सिक्योरिटी वाले मना कर रहे हैं हमें कि यहाँ से नहीं है। चलो आयत यहाँ पर सिक्योरिटी वाले बहुत ज़्यादा आए हुए हैं ना तो लोगों को असल में वहाँ पे आसानी से मिल गया था उन्होंने। यहाँ पर थोड़ा एक एक करके मिलने थोड़ा लाइन लग गई। यहाँ छोटा सा फैन आया हुआ गाइस माशाल्लाह। क्या नाम है? सबसे मिलती हुई जैसा तारा आयत इधर आओ। ये लो फ्लावर माशाल्लाह। तो यहाँ पर सितारा को गजरे वगैरह पहनाए जा रहे हैं। फान भाई भी आए हुए हैं माशाल्लाह से। इरफान भाई कैसे हैं? ठीक है। अच्छा माशाल्लाह शॉर्ट आउट मिलेगा। फान भी आए हुए हैं सितारा जी। मुस्तफ़ा को कहाँ है? मुस्तफ़ा भाई सही है। सुकून से बैठे हुए आप वहाँ पर। ये सारे सितारा के व्लॉग में नाम क्या है? वो मुझे सलाम कर रहा है। चलो माशाल्लाह। और गाइस ये बच्ची भी आई थी माशाल्लाह से। जी बिल्कुल ले भी आया था। मिला तो नहीं सकता उसके व्लॉग में आपको डाल देता हूँ मैं। ये सितारा का ही मैं व्लॉग बना रहा हूँ यहाँ पर। नानी आप कहाँ थी? कब से कहाँ थी आप? मुझे तो नहीं दिखाई थे। अच्छा कैसी है? ठीक है। हाँ उसको तो हवा उड़ा के ले गई। ये रही ना सामने वो कॉर्नर पर है। एक मिनट। जी वालेकुम। कैसी है? ठीक आप? ठीक है। नाम बता दो। ठीक है। यहाँ पर एक तरह के एक और भी फैन मिले हैं। नाम इसका क्या बच्ची का? मोमना। ठीक है जी ओके। और ठीक है जी आ जा वेलकम हो गया। अस्सलाम कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं? ठीक है। और सब खैरियत है? चले माशाल्लाह। गाइस ये सब लोग सितारा से मिलने के। ठीक है फोटो मैं आपके साथ लेता हूँ। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा तो मैंने इनसे मिलना भी और उनकी मैंने एक बार। आप लोग प्लीज जगह खाली कर दें ताकि अपना भी बारी आ सके। सितारा कहाँ चली गई? क्या था नाम क्या इसका? अली अब्बास माशाल्लाह। अली अब्बास भी आए थे। चले सही है। प्लीज आपकी बारी आएगी। तो गाइस यहाँ पर ये सीन हो चुका है माशाल्लाह। सितारा नीचे बैठी हुई दूसरों के व्लॉग में दिख रही है, मेरे व्लॉग में नहीं दिख रही। पिक्चर चाहिए? ठीक है ओके। गाइस यहाँ पर एक प्यारा सा गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ है। मैं नीचे आया था उसका व्लॉग बनाने के लिए। और आप जी ठीक। और आपका नाम? कैसी है? ठीक है भाई। ठीक जी। अच्छा ठीक ठीक कहाँ पर है? जी मैं ये अच्छा ठीक ये सितारा का ही व्लॉग है उसमें आ जाएंगे। आप
चले भी एक छोटी बच्ची यहाँ पर भी आई है तो इसका भी जो है भाभी मजा आ रहा है या थक गई है। अच्छा अच्छा चलो चले। ये कब से आपका वेट कर रही थी इधर? इनके पास छोटा सा बच्चा भी था। कौन सी फायदा सिस्टर? ठीक है भाई। अच्छा हाँ मैं बोलूँ लग रही है वैसे वही माशाल्लाह भी माशाल्लाह। मुझे ना सारा से मिलने का बहुत शौक था, मैं 2 साल से कोशिश कर रही थी। अच्छा माशाल्लाह। यकीन करें वो शालीमार में आती थी ना सदर जी, जी। मैं यहाँ भी आती थी पर वो मुझे मिलने नहीं देते। अच्छा आप तो मिल लेंगे इंशाल्लाह आज मिले। आज मिले तो मिलने लगे उनके पीछे लेकिन मिल नहीं सके। अच्छा आमीन 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 जी। अच्छा अच्छा स्पेशल कश्मीर से आई हूँ। अच्छा माशाल्लाह यहाँ पर नानी के भी फैन है तो नानी मिल रही है सबसे एक एक करके। नानी के भी फैन है भाई। ये बच्चा जो है ना इसको मजा नहीं आता ऐसी पार्टी वार्टी में। बेटा ऐसी चीजें देखा करो लाइफ में बहुत काम आएगी तुम्हारे। मैं बोलूँ लाइफ में काम आएगी तुम्हारी ये चीजें। तुम्हारा भाई नहीं है मेरा भाई है जी। नहीं ये मेरा भाई है मैं इसको लेके जा रहा हूँ आज। मैं इसको अपनी जेब में डाल के लेके जा रहा हूँ। एंग्री बर्थडे छोटा सा। नहीं आपका 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 मेरा नहीं है मेरा नहीं आपका है। ले जाओ इसको जेब में डाल के ले जाओ। आप नीचे उतर जाइए मैडम प्लीज प्लीज। हो गया आपका पीछे ले लिया आपके मुझे देख लिया यार क्यों पर चढ़े हो? जो लोगों को कोई पता नहीं ना वो ऐसे ही थके हुए बैठे हुए हैं। अम्मा मजा आ रहा है या थक गई हो? नहीं थकी या मजा नहीं आया? गिफ्ट आ रहे तो गिफ्ट को सारे पीछे भाई खड़े उनके पास जमा करते जा रहे हैं ऐसा ऐसा एक एक करके। हाँ सितारा जी हम सारा के बहुत बड़े फैन हैं, हम बहुत खुश हैं। अच्छा थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। हाँ गाइस ये बहुत पुराने जो ना सब्सक्राइबर हैं, हमें एक बार होटल पे मिले थे और इनकी कंपनी थी निम्को की, ये इनकी निम्को कंपनी तो ये। अच्छा ठीक अभी निम्को से मुझे याद आया आप। हाँ और ठीक है सर ठीक है सर। यार कोशिश करता हूँ चलिए उनको बहुत यहीं पर आ जाए लगी तो नहीं। है मिठाई है चलो माशाल्लाह तुम मुबारक हो। अच्छा एक चीज़ है लोग कितने खुश होते हैं मिलकर तो ये मीटअप का यही फायदा होता है कि इनसे वेट में होता है कभी मिलेंगे मिलेंगे तब जिसको मौका मिले वो बहुत। ये देखो ये लड़की रो पड़ी गए थे यहाँ पर। नहीं बेटा रोना नहीं है आपने। ये सितारा का सच्चा फैन लगता है मुझे। रो पड़ी मामू। नहीं बेटा रोना नहीं है। यहाँ पर दो हमें जो ना बच्चे मिले हैं। नाम क्या है? मेरा नाम अलीस है। हम मियां वाली से हैं। हम माशाल्लाह मियां वाली से आ गए आप। सितारा के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा माशाल्लाह कोई चैनल है? नहीं है चैनल नहीं सिर्फ मिलने के लिए। चलिए अभी बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या? नाम हाइन फातिमा। ठीक है बड़ी मुश्किल से तीन बार है लेकिन पिछले जाते हैं। मैंने इनको बोला जल्दी आप फोटो ले लें। सितारा इनके साथ एक फोटो ले ले। कश्मीर से कब से ना इधर आ रहे हैं फिर नीचे उतर जाते हैं। खुश हैं आप? जी बहुत खुश हैं। ओके बहुत चले जी। वालेकुम सलाम भाई कैसे हैं? ठीक है और खुश हैं? चले माशाल्लाह भाई फूल भी आ गए। ये ले ले मैम हमें नन्ना सा सब्सक्राइबर मिले और इसका नाम क्या है? और भाई आज 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 कैसी हो? ओए सितारा बेटा का देखो यहाँ पर हमारा केक आ चुका है। ओ भाई साहब माशाल्लाह। चले गाइस तो अभी यहाँ से सितारा का व्लॉग शुरू किया जाएगा। भाई आ रही है? चले माशाल्लाह। और सितारा अभी उन्हीं का वेट करी ताकि केक कट किया जाए तो देर सही लेकिन पहुँच गई है। वीडियो बन गई बस अभी काफी है। वालेकुम सलाम। वाइडी है भाई? अच्छा हाँ ठीक है। बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। चले भाई मैं दो
नहीं नहीं सितारा भाजी के सामने हाथ है सब, ये कसमें उठाने वाले हाथ है, साथ देने वाले हाथ है, करने वाला हाथ है। गाइस ये चेक करें आप, ओके आपने मतलब ये 1 मिलियन पार्टी रखी और हमें जिंदगी में पता नहीं कभी मौका मिलता ना मिलता मिलने का, और ये बहाना बना। और मैं कहती हूँ जुग जुग जियो, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, रंग लाए, 2 मिलियन जल्दी हो जाए, आमीन। ये जो पहला खाएगा ना गाइस वो सबसे बड़ा जो ना खुश किस्मत बंदा होगा। अभी खा लो उंगली से ना, खा लो खा लो खा लो, मैं हूँ ना, खा ले उठा लो, ओए उठा ले ओ भाई। ओहो अच्छा इधर कौसर सिस्टर, ये भाई प्यार बन रहे हैं आपस में। शेयर हाँ बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार दिल गार्डन का बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। थैंक यू सो मच इस्लामाबाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप सब आए यहाँ पर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो ना एक चीज हम लोग दिखाना भूल गए, ये जो है ना लंच बुक्स थे, मतलब जो यहाँ पर सब्सक्राइबर मिलने आए थे ना तो उनके लिए एक बॉक्स बनाया गया था, पानी भी था और ये भी था, इसको हम खोलते और दिखाते इसके अंदर ना क्या क्या चीजें थी। तो ये इसके ऊपर इसका कार्ड भी लगा हुआ था तो सब लोग इसको घर भी लेके जा सकते हैं। ये रहा अंदर से जो ना ये इसके अंदर थे आइटम, एक था सैंडविच, एक रस केक, एक लड्डू और एक और सर, मतलब 2 सैंडविच थे। जो कुछ था अल्लाह हाफिज का वो सारा कुछ कर आपको खुद बताएंगे। अच्छा हुआ है सबसे मिली हूँ और तस्वीरें भी खैर सबसे होगी, मुझे लगता है कोई बचा नहीं होगा, टाइम जो मैं खड़ी रही हूँ सबको दी है। अब लोग ना यहाँ पर थक चुके हैं क्योंकि कितने चार घंटे हो गए, 6 बजे आए थे हम लोग, हाँ 4 घंटे होने वाले हैं, निकलते हैं यहाँ से और बहुत ज्यादा थक भी गए हैं। सबसे मिले और बहुत अच्छा रहा है, बाकी इसका जो रिव्यू है घर चल कर दूंगी। कैसा रहा अम्मी आप सुनाए, क्या हाल है आपका? अच्छा लगा, बहुत थक गई हैं? नहीं थकी अम्मी, तो बहुत खुशी मिली है मुझे। आपको भी वीडियो मिलू, क्या नाम है आपका? अरफा। चलो अरफा भी कल ब्लॉग में आएगी। गाइस ये पीटीवी के चीफ कैमरा मैन है और ये इनकी पूरी फैमिली है एक जी, तो इन्होंने भी अभी आकर जी तरह को ज्वाइन किया है, बिशारत जाफरी ने, जो कि पीटीवी के कैमरा चीफ कैमरा मैन है। ठीक है सर, आपको याद है? जी बिल्कुल। हुमैर और शुएब ने ज्वाइन किया सितारा को, जो कि रॉयल, ठीक है जी, ठीक करूंगी। बाबर भाई का जो के कैमरामैन का, बाबर भाई के लिए फ्लावर आई है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाँ पिंक कलर का, इसने पूरा मेरा व्लॉग शूट किया है, थैंक यू सो मच। फल मिले उस चीज का मेहनत का। आपका नाम क्या है? फिजान। थैंक यू सो मच फिजान, आपका शहजाद खान, थैंक यू सो मच। फैसल आपका भी थैंक यू सो मच, और इनका तो नाम मैंने लिया है, थैंक यू सो मच। आपकी पूरी टीम अभी हमें याद रहेगी हमेशा इंशाल्लाह। फिर ये जी वो आगे गाड़ी के पास आपका भी। अच्छा अच्छा, अभी यहाँ से निकलते हैं और बहुत अच्छा रहा हमारा आज का ये वाला मीटर, अब चलते हैं। बाकी जो हमारे साथ कुछ मेहमान हैं उनके साथ उनको डिनर कराना है, खाना खिलाना है, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट अगले व्लॉग में। और देखो पूरा हॉल अभी खाली हो चुका है, रात के 10 बज चुके, हम 6 बजे तकरीबन आए थे, 6:30 तकरीबन। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा आज का हमारा व्लॉग और आज का हमारा मीटअप। नेक्स्ट नया व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो फ्रंट पे सामने ये मेरी तस्वीर लगी हुई है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आई है ना, ये
तो चलो अभी जो है ना हम यहाँ से निकलने लगे हैं और यहाँ पर ये रहे सारे गिफ्ट, इतने सारे फूल। अभी मैं इनको घर पर ही जाकर अनबॉक्सिंग करूंगी। सब मेरी लाइफ में आने वाली ने कहता है हमारा नाम लेना, नाम मैं किसी का नहीं ले सकती। हम दोनों को बहुत ज्यादा कहा गया है हमारी तरफ से जफ्फी देना, तो हमने जफ्फी भी दे दी और पप्पी भी दे दी।